Hello and welcome to my channel BR Tutorial. Me Bina Raut, your tutor and mentor. Asa korchi samaste bhalare thibo. Today's topic is discuss Mendel's dihybrid cross with checkerboard and a law derived from it. Before this video, I already uploaded two videos on Mendelism. One is the introduction and second one is on monohybrid cross and the laws derived from it. So in case of monohybrid cross, Mendel consider only one pair of contrasting characters at a time. But in case of dihybrid cross, Mendel consider two pairs of contrasting characters at a time. Okay. For example, tall plant with round seed and dwarf plant with wrinkled seed. I mean, tall dwarf, ye gotte pair, height upare base kari, avade hela seed ra shape. Round shape or wrinkle shape, ये आउट फेयर मैंने दुईट फेयर से कन्सीडर कले गोटे समय बाकी अदर जो सेवेन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ही चूज ही डजेंट ही डिडंट कन्सीडर देम एट दैट टाइम है ही ओनली ऑब्जर्व द नंबर ऑफ प्लांट्स आर द चेंजेस द एनालिटिक्स ऑफ ओनली टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स एट ए टाइम any two pairs of characters. Okay. So in jodi ame amra long question eta pra generally ase discuss Mendel's dihybrid cross with checkerboard and the law derived from it. The answer re ame kon likha first dihybrid cross ra ote definition daba. In dihybrid cross, Mendel took two pairs of contrasting characters at a time. For example, tall plant with round seed and dwarf plant with wrinkled seed. ता बदलने से अन्य जेकोनोसी टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी नहीं पारे नहीं थिले सबू पेयर को से मानने डबल डबल पेयर कर एक्सपेरिमेंट कर बर्तमान एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को आसवा तो एक्सपेरिमेंट से कौन कले ना मेंडल फर्स्ट सिलेक्ट द पेरेंट प्लांट विथ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सच एज टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड ड्वार्फ प्लांट विथ रिंकल सीड तो यहाँ से प्योर टॉल प्लांट आउ प्योर राउंड सीड वाला प्लांट ही चूज कले एवं ड्वार्फ प्लांट हो प्योर प्लांट ही तैयार अच्छे प्योर ड्वार्फ विथ रिंकल सीड है देन नेक्स्ट स्टेप है कौन आर्टिफिशियली क्रॉस दिज पेरेंट प्लांट्स दिज टू प्लांट्स दे आर पेरेंट प्लांट पेरेंट जेनेरेसन देन सी कौन कले ना आर्टिफिशियली क्रॉस कले आर्टिफिशियली क्रॉस कले कहीं ना पी प्लांट इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट सी कौन कले जो प्लांट को मेल प्लांट हिसाब से ट्रीट कले बैगिंग करदे सिंपली एवं जोटी को सी फीमेल प्लांट हिसाब से ट्रीट कले तार इमास्कुलेसन कले जोटा कि मु क्लीयरली मोनोहाइब्रिड क्रॉस पार्ट रे डिटेल बुझे इमास्कुलेसन मीन्स रिमूवल ऑफ एंड्रोसियम होल बा स्टामेन्स फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर तो जो प्लांट को सी फीमेल प्लांट से ट्रीट कले तार एंड्रोसियम टी सी रिमूव करदे कहीं जब रिमूव न करेंगे बाय चांस सेल्फ पॉलिनेशन होवार चान्स रोचे से रिमूव करदे जो मैच्योर हो गला आंथर जोटा मेल प्लांट थिला से मेल प्लांट रु से पोलन कलेक्शन करके निजे डस्टिंग कले फीमेल प्लांट रो स्टिग्मा उपरे एवं पुणी ताको बैगिंग करदे बैगिंग करदे कौन हम ना एक्सटर्नल कंटामिनेशन ऑफ पोलन हो पारे तापरे कौन हम ना जो पॉलिनेशन कर सारापर आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कर सारापर सी तक बैगिंग करदे छाड़ीदे सी कौन हम ना फर्टिलाइजेशन हम एज यूजुअल फर्टिलाइजेशन पर प्लांट रे सीड फॉर्मेशन है तो से सीड को से कलेक्ट कले पेरेंट प्लांट रो ग्रो कले फॉर नेक्स्ट जेनेरेसन जोटा कि आम एफ वन जेनेरेसन और फर्स्ट फिलियल जेनेरेसन कह एंड What he observed that all plants in F1 generation are tall plants with round seeds. Okay, before doing dihybrid cross, he already experimented on monohybrid cross, and from this he knew that tall plant is dominant over dwarf plant, and round seed is dominant over wrinkled seed. So, F1 generation day. कौन है ना एज पर हिज एक्सपेक्टेशन से टॉल आउ राउंड सीड वाला प्लांट से पाइले देन
He leave the plants of F1 generation for self-pollination. आउ से किसी cross-pollination कॉले नहीं artificially ताकु जेंदी normal, naturally जेंदी self-pollination पाई छाड़ी दिया गला. Then the seeds are collected from F1 plants and sown for the next year and the F2 generation plants developed. The F2 generation is a con dekhle. What he observed in F2 generation? He found that in F2 generation, four types of plants appear phenotypically. Phenotypically means externally dekha jiba bhali jo character tak phenotypical kahanti. The phenotypically se dekhle je four types of plants appear kala in F2 generation. Hala. Achha. Ko ratio re? Na 9:3:3:1. 9 हला कोन टॉल राउंड 9 टॉल राउंड हला नॉट माने रेशियो 9 और टॉल रिंकल्ड सीड टॉल प्लांट विथ रिंकल्ड सीड 3 ड्वार्फ प्लांट विथ राउंड सीड 3 ड्वार्फ प्लांट विथ रिंकल्ड सीड 1 एंते कि 9:3:3:1 रेशियो रे से फोर टाइप्स ऑफ प्लांट्स पाइले हला ताकु हमे चेकर बोर्ड रे देखेबा केमिति देखेबा ए देखो फर्स्ट तंकर एक्सपेरिमेंटल डायग्राम टा कोन देखो जे पेरेंट प्लांट चूज करले कोडा प्योर होमोजाइगस होमोजाइगस तमे जानि छ का कोनती हेटरोजाइगस का कोनती यदि दुइटी जक एलील सेम टाइप रहितियो ताको होमोजाइगस कहनती जेंति एठे देखु छ हमे टी टी ए होमोजाइगस आर आर सेम टाइप रोटा होमोजाइगस किंतु एठे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉलर एटा बडे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन हला अच्छा ए जो प्योर होमोजाइगस टॉल राउंड प्लांट आ गुडे नेले प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ रिंकल्ड प्लांट सपोज ए प्लांट को मेल प्लांट आ ए प्लांट को फीमेल प्लांट हिसाब रे ट्रीट करले रेसिप्रोकल करी करले मध्य से सेम रिजल्ट आसीबो अच्छा से आपन से कोन देखिले ना जेतोले आर्टिफिशियली क्रॉस करले F1 जनरेशन से पाइले ऑल आर हेटरोजाइगस टॉल राउंड सब जगह टॉल राउंड हला तार जेनेटिक कंपोजिशन मध्ये आमे एठी लेखी छे तो एठी कोन माने गोटे टाइप रो गैमेट फॉर्मेशन हला गोटे रे टी ए जो पेयर गोटे टी आसीबो ए पेयर गोटे आर आसीबो तन दीटा जगह गैमेट बा जते गुडी गैमेट हबो सब वन टाइप ऑफ हला एठी मध्ये से स्मॉल टी और स्मॉलर सब गैमेट गोटे टाइप रहला ତେନ୍ତି ରାଣ୍ଡମ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେବ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ର ଏଇଭଳିଆ କମ୍ବିନେସନଟି ଆସିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ସ୍ମଲ୍ ଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଡମିନାଣ୍ଟ ଆଲିଲ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ରିସେସିଭ୍ ଆଲିଲ୍ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନି ତେଣୁ ଏଠି ଟଲନେସ୍ ଆସିଲା ସେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ରିଙ୍କେଲ୍ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଡମିନାଣ୍ଟ ଆଲିଲ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଡମିନାଣ୍ଟ ଆଲିଲ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ଏଠି ରିସେସିଭ୍ ଆଲିଲ୍ଟା एक्सप्रेस करी पाला नहीं तनुते राउंड सीड आसला तनु ऑल आर इन F1 जनरेशन ऑल आर टॉल राउंड प्लांट्स हैला दीज आर हाइब्रिड टॉल राउंड प्लांट्स ए माने केते प्रकार रो गैमेट फॉर्मेशन करी परिबे जदि हम रैंडम कॉम्बिनेशन करिबा धर गोटे कैपिटल टी सहित गोटे गैमेट रे मन कर ए पेयर रो कैपिटल टी आसला आ ए पेयर रो कैपिटल आर आसला ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାମିଟ୍ରେ ମନେକର ଏଇ ପେୟାର୍ରୁ ଫାଷ୍ଟ ପେୟାର୍କୁ ଧର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଟି ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାମିଟ୍ରେ ସପୋଜ୍ ଏଠି ସ୍ମଲ୍ ଟି ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆର୍ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ସେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ସ୍ମଲ୍ ଟି ସହିତ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଏମିତି ଫୋର୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ପସିବୁଲ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅକର୍ଡ୍ ତ ତାମାନେ ଫୋର୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ସ ଆର୍ ଫର୍ମ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ହେଲା ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ବି ଫୋର୍ ଟାଇପ୍ର ହୋଇପାରିବ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫୋର୍ ଟାଇପ୍ର ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ୍ ପାଇଁ ହେଲା ଏବେ ଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ୍ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଫୋର୍ ଟାଇପ୍ସର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ସବୁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିବା ତାହେଲେ 16 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 16 ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ 9 plant will one type, 3 plant will one type, other 3 is another type and 1. So 9:3:3:1 ratio re ame 4 types of plant paiba. Hala to ethi kon paile na eita hala amar phenotypic ratio mane externally ame jani parle je chari prakar ra plant kintu actually genotypic ratio dekhi aile ahure tike different type asibo. Acha ethi ame dekhile kon ethi 4 types ra male gamete
फोर टाइप्स रो फीमेल गैमेट आम कलम लिखले आो रे फोर टाइप्स रो मेल गैमेट लिखले ताकू आम रैंडम कंबाइन कले ये चेकर बोर्ड आपको कहती ये चेकर बोर्ड आपको कहती कि पन्नेट स्क्वायर कहती कहीं गोटे साइंटिस्ट पन्नेट जे सी स्क्वायर टाइप रही अरेंजमेंट करते ना अनुसार पन्नेट स्क्वायर कह चेकर बोर्ड भी कहवा तो आमको इजी हम मैंने रैंडम कॉम्बिनेशन कले के प्रकार हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस विल टेक्स प्लेस केकार होता जापर इजिली तेणु देख नंबरिंग कर देछु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 टी प्लांट होउनी 16 टा होचे गोटे रेसियो रे 9:3:3:1 रेसियो रे आसुचे तो मिसले 16 किंतु सही 16 टा मल्टीपल नंबर रे तर से प्लांट ग्रो करिचंती हला त एबे हमें देखिबा 1 एटा कोन हबो टॉल राउंड 2 मध्ये टॉल राउंड 3 मध्य टल राउंड 4 मध्य टल राउंड 5 अल्सो टल राउंड 7 टल राउंड 9 टल राउंड 10 टल राउंड एंड 13 हला टल राउंड हला तो वर्तमान आम देखिले जे केतटा टल राउंड हला 9 टी टल राउंड हला हला कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है नौ है कौन टल राउंड 1 2 3 4 5 7 9 10 13 अच्छा ये गोटे प्रकार पाइले आ गए टल प्लांट रिंकल्ड सीड हो अच्छा टल प्लांट रिंकल्ड सीड कौ गुड़िक हम 6 नंबर गोटे 6 नंबर ये टल प्लांट हम कि डबल रिसेसिव जेहतु अच्छे रिंकल्ड सीड आस आउट आसो एटा देख टल प्लांट हम हाइब्रिड टल जदि आईटा रिंकल्ड सीड टल रिंकल्ड सीड आसला फिनोटिपिकली एटा गोटे हम 8 नंबर टी तो 6 8 एंड 14 ये तीनोटी जगह हम टल प्लांट विथ रिंकल्ड सीड देन आउ गोटे टाइबेराइटर पाइले कौन ड्वार्फ प्लांट राउंड सीड होता 11 12 15 देख एटा ड्वार्फ प्लांट जेहेतु डबल रिसेसिव रहुचि टी टी तेनाली ड्वार्फ प्लांट हम आउ एठी राउंड सीड ये मध्य ड्वार्फ प्लांट विथ राउंड सीड ये भी ड्वार्फ प्लांट विथ राउंड सीड तो ये तीनोटी है आमर कौन ड्वार्फ आउ राउंड पाइले गोटे पाइले सी प्योर ड्वार्फ आउ रिंकल्ड ड्वार्फ आउ रिंकल्ड गोटे मिलला 16 नंबर टे ता जो रेसियो है 9:3:3:1 कहा जाए डाइहाइब्रिड रेसियो फिनोटिपिक रेसियो हो डाइहाइब्रिड 9:3:1 कि जीनोटिपिक रेसियो देखा 1:2:1:2:4:2:1:2:1 यहाँ जो है देख ये गोटे प्रकार होने देखीदेव एमती एमती देख चेक कर यहाँ गोटे प्रकार रही कौन यहाँ हो प्योर टल राउंड प्लांट ता भर आउ देख एटा एटा दीटा सामान अच्छी अच्छा एटी ये गोटे ये गोटे सामान अच्छी ये गोटे अलग अच्छे 1 2 1 है ये 4 देख 1 2 3 4 ये गोटे प्रकार कम्बिनेसन अच्छे देख 4 टाइप रहा ये 4टा गोटे टाइप कम्बिनेसन आसपर देख ये 4 गला 2 ये गोटे देख एका कम्बिनेसन 2 आईटा गोटे 1 यहाँ ये कम्बिनेसन आसला ये दुईटे देख गोटे एका सेम टाइप कम्बिनेसन ये 2 यहाँ है 1 तो एमती गोटे जीनोटिपिक रेसियो आसो सो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नाउ ही फाउंड दैट द फैक्टर और एलील फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस एंड राउंड एलील इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सो इन F1 जनरेशन ऑल आर टॉल एंड राउंड एंड दिस ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन ही फाउंड फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑल्सो ओके तो ये भी सी से देखिले टल आउ राउंड जो दीटे से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जानते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर एटी से डोमिनेंट कैरेक्टर बाहर से F1 जेनेसन एक्सप्रेस कला इन F2 जेनेसन इच पेयर अफ क्यारेक्टर्स आर इनहेरिटेड इंडिपेडेन्टली एज इफ दि अदर पेयर डज नट एक्जिस्ट एट अल डाइहाइब्रिड क्रॉस रु से पॉइंटा सी एक्सप्लेन करुँच देख यदि
ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্যামিট ফর্মেসন হব তাহলে ইয়ার যেকোনসি আলিল সহিত গোটে পেয়ার যেকোনসি আলিল সহিত নেক্সট পেয়ার যেকোনসি আলিল কম্বিনেসন র্যান্ডমলি হয়ে পাব তাহলে ম্যাক্সিমম ফোর টাইপসর গ্যামিট ফর্মেসন হয়ে পড়ছে। তো ফোর টাইপসর হল ফোর টাইপসর মেল গ্যামিট ফোর টাইপসর ফিমেল গ্যামিট যদি পুঁ সেই ফোর টাইপসর মেল আউ ফিমেল গ্যামিট ভিতরে পুঁ আমি র্যান্ডম ফর্টিলাইজেসন করাইবা তাহলে আমি ফোর টাইপসর ফিনোটিপিক কম্বিনেসন আমি পাইবা যেমনি নাইন ইস টু থ্রি ইস টু থ্রি ইস টু ওয়ান রেসিওরে আমি দেখলে এফ টু জেনেরেসন প্লান্ট সব আসলে এটি যদি আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমি অলগা অলগা ভাবে ইচ ক্যারেক্টর কু দেখিবা তাহলে দেখ টল প্লান্ট কেতে হয়েছে নাইন আউ এটি হয়েছে থ্রি এমনি টোটাল টল হয়েছেন কেতে টুয়েলভ আর ডোয়ার্ফ হলে থ্রি আউ ওয়ান ডোয়ার্ফ তো টুয়েলভ ইজ টু ফোর মানে সেই থ্রি ইজ টু ওয়ান রেসিও হি আসিলা হলে সেই যে থ্রি ইজ টু ওয়ান রেসিও এটা মনো হাইব্রিড রেসিও যদি এটি অলগা পেয়ারটা নথান্তা তাহলে যাহা আসি থান্তা নেক্সট যে আমার রাউন্ড আউ রিঙ্কেল যে আলিল অছি পেয়ার অছি সে থিলে মধ্যে সেই সেম রেসিওরে আসুচি আমার প্লান্ট টল আউ ডোয়ার্ফ সিমিলারলি রাউন্ড সিড আউ রিঙ্কেল সিড যদি দেখিবা তাহলে সিয়ে মধ্যে টলনেস বা হাইট্র যে আলিল সহ তার বি কোনসি লিঙ্কেজ নাই দেখ রাউন্ড সিড নাইন রাউন্ড সিড থ্রি কেতে হল টুয়েলভ আউ রিঙ্কেল সিড থ্রি এটা রিঙ্কেল সিড ওয়ান ফোর তো সেই টুয়েলভ ইজ টু ফোর হয়ে সেই থ্রি ইজ টু ওয়ান রেসিওরে রাউন্ড সিড আউ রিঙ্কেল সিড মধ্যে হল তেমন এই যে অবজরভেসন রু সি জাগলে যে ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দিজ টু কন্ট্রাস্ট পেয়ার্স আসর্ট আউট অর সেপারেট আউট ডিউরিং দি ফর্মেসন অফ গ্যামিট হল তেমন সি কম কলে না ইন এফ টু জেনেসন ইচ পেয়ার অফ ক্যারেক্টর্স আর ইনহেরিটেড ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এজ ইফ দি অদর পেয়ার ডজ নট এক্সিস্ট এট অল তাহলে কোনো লিঙ্কেজ না দিস ক্যান বি ভেরিফাইড ফ্রম ফিনোটিপিক রেসিও টুয়েলভ ইজ টু ফোর টল রাউন্ড সরি টল ডোয়ার্ফ থ্রি ইজ টু ওয়ান সেই মনো হাইব্রিড রেসিও হল রাউন্ড আউ রিঙ্কেল মধ্যে টুয়েলভ ইজ টু ফোর থ্রি ইজ টু ওয়ান মনো হাইব্রিড রেসিওরে আসলে রেসিও কনসাইডস উইথ দি মনো হাইব্রিড ফিনোটিপিক রেসিও থ্রি ইজ টু ওয়ান দিস প্রুভস দ্যাট দি ক্যারেক্টর্স আর ইনহেরিটেড ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইচ অদর সেথিও সে গোটে ল ডিরাইভ কলে দ্যাট ইজ ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আসর্টমেন্ট দি টু ফ্যাক্টর্স অফ ইচ কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টর্স আসর্ট অর সেপারেট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অফ দ্য ফ্যাক্টর্স অফ অদর ক্যারেক্টর্স এট দি টাইম অফ গ্যামিট ফর্মেসন অ্যান্ড গেট র্যান্ডমলি রিআরেঞ্জড ইন দ্য অফস্প্রিং অলসো হ্যাঁ তো এইটা হল আমার ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আসর্টমেন্ট ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং সবসক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড শেয়ার টু ইয়র ফ্রেন্ডস যদি ভালো লাগলা লাইক করব সবসক্রাইব কলে তুমি মোর নেক্সট ভিডিওর নোটিফিকেসন ইমিডিয়েটলি পাইপার।